बारिश में गर्मा गर्म और चटपटा पकौड़े खाने का तो सभी का मन करता है, तो आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इजी और मिनी ब्रेड पकौड़े की रेसिपी लाई हूँ। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत स्वागत है। तो चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए लेंगे हम एक कटोरी या एक कप बेसन। बेसन आप बारीक या मोटा कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, और अब हम इसमें स्वाद अनुसार आधे चम्मच नमक डालेंगे। इसे और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए हम इसमें आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। आप इसमें जीरा पाउडर की जगह चाट मसाले का यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे मिक्स कर लेंगे और इसका लम्स फ्री बैटर बना लेंगे। आप एक बार में पानी ना डालें, नहीं तो बैटर हमारा बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाएगा। और अब आप देख सकते हैं यहाँ मैंने थोड़ा थोड़ा करके डेढ़ कप पानी डाल दी हूँ, और हम इसे अच्छे से एक से दो मिनट के लिए मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है और बैटर हमारा बनके तैयार हो गई है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हाफ टी स्पून तीखे के लिए लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इसे भी अच्छे से बेसन में मिक्स कर लेंगे। आप लाल मिर्च की जगह काली मिर्च का पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हो गई है, तो हम इसे साइड में रखेंगे। और यहाँ मैंने 7 से 8 उबले हुए आलू ली हूँ। आलू को हम अच्छे से छील लेंगे। और अब हम एक पैन लेंगे, गैस ऑन करेंगे, पैन को गरम होने देंगे और इसमें 1 से 1.5 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। और अब हम इसमें 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे। ऑयल आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें एक चुटकी हींग डालेंगे और इस टाइम पे गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। और अब हम इसमें 1/2 चम्मच अदरक और 1 से 1.5 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और इसे हाई फ्लेम पे 20 से 25 सेकंड के लिए भून लेंगे, जिससे प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाएगी और प्याज हमारी क्रंची हो जाएंगे। और अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसमें मसाले डालेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 छोटी चम्मच भर के हम धनिया पाउडर डालेंगे, और इसमें बहुत ही बढ़िया कलर के लिए हम इसमें 1/2 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 से 1.5 चम्मच आमचूर पाउडर या फिर आप चाट मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं। इन सभी को डालकर मीडियम फ्लेम पे हम प्याज के साथ मसालों को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके मसाले जलने लगे तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच पानी भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें उबले और मैश किए हुए आलू डालेंगे। आलू डालकर हम इसे मीडियम फ्लेम पे ही मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे, जिससे आलू भी हमारे जब तक में मिक्स होंगे अच्छे से भुन भी जाएंगे और मसालों का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगी। इस तरीके से आप मसाले को बनाएंगे तो आप इसे बना करके 2 से 3 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। और अब हम इसमें 1/2 टीस्पून या 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला डालना ऑप्शनल है, अगर आपको फ्लेवर पसंद है तो आप इसमें डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। गरम मसाले को आलू के साथ हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें बारीक कटे हुए हरे धनिया की पत्ती डालेंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और हरी धनिया की पत्ती को आलू के साथ अच्छे से हम स्पैचुला से इस तरीके से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। और अब हम मसाले को ठंडा होने देंगे। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं कि नमक ठीक है कि नहीं। और अब हम एक कढ़ाई लेंगे, गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई हमारी गर्म हो रही है, हम इसमें तेल डालेंगे। और अब हम एक दूसरे प्लेट में ब्रेड के स्लाइसेस लेंगे और अब हम इसके ऊपर टमाटर केचप डालेंगे। आप टमाटर केचप की जगह ग्रीन चटनी या फिर सेजवान सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं। टमाटर केचप डालकर हम इसे अच्छे से चम्मच से ब्रेड के ऊपर फैला लेंगे। और अब हम इस पे आलू वाला मसाला डालेंगे। मसाला डालकर हम इसे भी चम्मच या इस तरीके से स्पैचुला से दबाते हुए ब्रेड के ऊपर फैला लेंगे। दोस्तों, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो और रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और अब हम एक दूसरा ब्रेड का स्लाइस मसाले वाले ब्रेड के स्लाइस के ऊपर रखेंगे और इसे अच्छे से हल्के हाथों से दबा लेंगे। और अब हम एक नाइफ या चाकू लेंगे और चाकू से इसे बीच में से कट कर लेंगे और इसे ट्रायंगल शेप देंगे।
और सेम तरीके से हम एक दूसरा ब्रेड का स्लाइस लेंगे और अब हम इसके ऊपर डायरेक्ट मसाला डालेंगे। आपको अगर तीखा और चटपटा खाना है तो आप इसके ऊपर ग्रीन चटनी या आप चिल्ली सॉस या फिर इसकी जगह तीखी सेजवान सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम मसाले के ऊपर दूसरा ब्रेड डालकर इसे भी चिपका देंगे और ऑयल भी हमारा बहुत ही अच्छे से गर्म हो गया, तो एक चम्मच गर्म ऑयल को हम बैटर में डालेंगे और बैटर में डालकर इसे अच्छे से बैटर में मिक्स कर लेंगे, जिससे हमारे ब्रेड पकौड़े बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी तो बनेंगे ही और ये ऑयल भी कम ऑब्जर्व करेंगे। और अब बैटर में ऑयल अच्छे से मिक्स हो गई है और अब हम इसमें ट्रायंगल शेप वाला ब्रेड डालेंगे। ब्रेड डालकर इसे बेसन में अच्छे से कवर कर लेंगे और अब हम इसे गरम तेल में डालेंगे। और इस टाइम में पे गैस का फ्लेम यहाँ मैंने मीडियम रखा है और मीडियम फ्लेम पे हम इसे अच्छे से दोनों तरफ से सुनहरा कलर आने तक हम इसे फ्राई होने देंगे। और यहाँ मैंने दूसरा ट्रायंगल शेप का ब्रेड को भी बेसन में डिप करके ऑयल में इस तरीके से डाल देंगे और हम इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकने देंगे, जिससे हमारा ब्रेड पकौड़ा बाहर ही नहीं अंदर तक भी बहुत ही अच्छे से सिकेगा और पकेगी। और अब यहाँ मैंने दोनों ब्रेड पकौड़े को पलट दिया है, पलट के यहाँ मैंने दूसरे तरफ से भी इसे सुनहरा कलर आने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसे एक बार फ्राई करने में आपको 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। ब्रेड पकौड़े को फ्राई होते हुए लगभग 4 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं इसके दोनों तरफ में ही बहुत ही बढ़िया गोल्डन कलर आ गई है। तो हम क्या करेंगे, इसे ऑयल में से निकाल लेंगे और इसे प्लेट में ठंडा होने देंगे, फ्लेम हाई कर देंगे और अब हम इसमें दूसरा ब्रेड स्लाइस बेसन में अच्छे से कवर करके डाल देंगे। 10 से 15 सेकंड के लिए हाई फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे और अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और हम इसे पलट कर दोनों तरफ से ही मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से उलट पुलट कर सुनहरा कलर आने तक हम इसे भी फ्राई कर लेंगे। और अब आप देख सकते हैं हमारा ब्रेड पकौड़ा बहुत ही बढ़िया से क्रिस्पी और गोल्डन कलर का फ्राई हो गया है और काफ़ी सारा तेल अभी भी कढ़ाई में बच गई है। तो हम क्या करेंगे, हम गर्मा गर्म बड़े वाले ब्रेड के पकोड़े को बीच में से इस तरीके से कट कर लेंगे। और अब आप देख सकते हैं यहाँ हमारे मिनी ब्रेड पकोड़े बनके तैयार हो गए हैं। अब इस तरीके से इसे बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में दें, बच्चों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और आपका जब भी पकौड़ा बनाने का मन हो तो आप इस तरीके से छोटे छोटे और मिनी ब्रेड पकौड़ा बनाए, बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी और वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मैं आप सभी के लिए ऐसे ही ईजी और न्यू रेसिपी लाती रहूँगी और अपना फीडबैक एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ मैं आप सभी के साथ एक और नई रेसिपी।